आप लोग लेट कैसे कर दिए? वो सब नहीं होगा हमारे यहाँ, वो सब नहीं होता है। क्लास रहेगा, 12 को खोलेंगे ना, सैटरडे हो या संडे हो, 12 को ओपन होगा तो हम क्लास लेंगे। तो 12 दिन छुट्टी, तो सैटरडे संडे फिर माने नहीं रखेगा। बीच में अगर हमको ओपन करना हो तो कर देंगे, चिंता मत कीजिए। और अगर बीच में ओपन करेंगे तो लाइव करेंगे, टेंशन मत लीजिए। टारगेट नहीं बंद होगा, टारगेट बीच में भी चलेगा। आप टारगेट में कहाँ आते हैं? अच्छा, आप टारगेट में आते हैं? तो सुबह में आए थे? वही कहा कि नहीं देखे आपको, हम सबका अटेंडेंस बनाते हैं। आप पिछले क्लास में आप नहीं आए थे? बहुत ज़्यादा खराब हो गया, हमको भी तबीयत खराब है, तभी पढ़ा रहे हैं। टॉन्सिल आपका बढ़ा, आपको नहीं पता कल हम किस हालत में थे। समारोह में हम गए जरूर थे, पर अजय जी जानते हैं कि किस तरीके का समारोह हम अटेंड कर रहे थे। क्यों जी, पता है ना आपको मेरे बारे में क्या था मेरा स्थिति? बता देंगे आपको, बता देंगे स्पेशली क्लास के बाद, बता देंगे क्या स्थिति थी मेरी। मैंने बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, केवल समारोह में बच्चों का एनर्जी बूस्टअप हो इसके लिए हम पहुँचे हुए थे, ताकि लड़कों को ना लगे कि सर मैंने फंक्शन में आप गायब हो जाते हैं तो अच्छा ना लगेगा सबको। गुरुए गायब हो जाए तो ठीक बात ना है। अब मेरे कुछ मित्र आ रहे थे जो सेलेक्ट हो गए थे, तो मित्र लोग का फ़ोन आया कि सर आप रहिएगा जरूर। हम चलिए चलते हैं, दोस्त इतना दूर से आए हैं, और लोग ऐसे दोस्त हैं कि जहाँ सेलेक्ट हुए तभी से फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप जहाँ कहिएगा वहाँ हम खड़ा हो जाएंगे जितना देर। तो उस तरह के त्यागी मित्र जो सिलेक्शन के बाद हमको याद किए हुए हैं, तो उसके कहने पर हमको आना मेरा फर्ज था। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग भी कल क्या सीखे सेमिनार से, कि अपने नीचे वालों को कभी मत भूलिएगा। कितना ही बड़ा पद मिल जाए, जो दोस्त आपको बेरोजगारी में सहारा दिया, आपके सुख दुख को बांटा, उन दोस्तों को सिलेक्शन के बाद नहीं भूलना है। कितना भी बड़ा आपको ओहदा मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, जो गिल्ली डंडा जिसके साथ गांव में खेले हैं उसको आइए गांव में तो गले मिलिए, उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाइए। अरे कहाँ गया श्याम, कहाँ गया राम, तो कहाँ तो खेत में गया होगा। अरे बुलाओ जल्दी, पार्टी करेंगे आज उसके साथ, फिर से वही दिन गुजारेंगे। एक एक प्रेमचंद का कहानी है, प्रेमचंद का एक कहानी है गिल्ली डंडा, आज ही पढ़ लीजिएगा आप। आज जाइएगा तो प्रेमचंद का गिल्ली डंडा एक कहानी है। प्रेमचंद का नाम सुना आप लोगों ने? तो प्रेमचंद एक बहुत बड़े कहानीकार और उपन्यासकार हैं, कवि नहीं हो। प्रेमचंद को कवि हम नहीं बोल सकते, कवि मतलब जो कविता लिखता है। तो प्रेमचंद ने कभी कविता नहीं लिखा, उन्होंने कहानी और उपन्यास लिखा है। तो प्रेमचंद की एक कहानी है गिल्ली डंडा, इंटरनेट पर डालिएगा, मतलब गूगल में जाकर गिल्ली डंडा कहानी प्रेमचंद, तो पूरी कहानी आ जाएगा। और नहीं तो आप यूट्यूब पर जाकर डालिएगा गिल्ली डंडा कहानी प्रेमचंद, तो पूरा वीडियो बना हुआ है उस पर, मतलब उसको एक कहानी पर क्या पात्र बन गया। प्रेमचंद की कई कहानी पर वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वीडियो देख लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा अंदर तक उतरेगा। अब पढ़िएगा तो खुद में फील करना होगा, मैं आज ऑफिसर हूँ और गाँव में आया हूँ। तो गाँव के कई मित्र होते हैं जो उनसे मिलने की कोशिश करता है, बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। और गाँव में जब गिल्ली डंडा बचपन में खेलता था तो लड़ाई भी होती थी। आइए आराम से आइए, हम रुक जाते इसीलिए। हाँ मेरा ही चल रहा है। बीच में कुछ हल्का फुल्का आपको सही बात बता देता हूँ। तो वो आता है और गांव में ढूंढता है अपने मित्रों के बीच, बहुत बेचैन रहता है वो इंसान। देखिए ये सब चीज़ आप साइड से जानते रहिए, आपको कहानी और उपन्यास पढ़ते रहना चाहिए, अच्छी कहानियाँ अच्छे उपन्यास आपको पढ़ते रहना चाहिए। मैं बता दूँ आपको कि उसमें जो गिल्ली डंडा कहानी है उसमें एक आदमी है जो बहुत बड़ा अधिकारी है, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि पढ़ने मन लगे आपको। और वह अपने अधिकारी और ऑफिसर के जो ज़िंदगी है उससे तंग आ चुका है और अपनी बचपन को ढूंढ रहा है। वो कितनी स्वतंत्रता थी, कितनी आज़ादी थी, कोई चिंता नहीं था। दिवाली आती आता था तो पटाखे धूप में सुखाने की एक अलग ललक था कि कोई पटाखा मिस नहीं कर जाए, है ना। वो बचपन ढूंढना चाहता है और आता है गांव तो अपने मित्रों को गले जबरदस्ती गले मिलता है, लेकिन गांव का मित्र देख रहा है कि अधिकारी हो गया है, कहीं कुछ कर न दे हमको, बड़ा आदमी बन गया है। अरे अरे रामू कहाँ था तुम, पूरा गले मिलता है, कहाँ था यार, अरे बड़े दिन बाद। चाहता है कि वही वाला चीज़ जो पटका पटकी करते थे बचपन में वही फिर से करने लगे मेरे साथ। पर वो आदमी देख रहा है कि ऑफिसर बन गया,
वो बचपन ढूंढता है बहुत आकर के, फिर निराश होकर चला जाती है। बड़ी अच्छी कहानी, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है, देखना उतना अच्छा नहीं जितना पढ़ना है ना। तो चलिए आज लोग क्या पढ़ रहे थे, लास्ट पश्चिमी घाट पढ़ाने वाले हैं। लिखिए, कुछ लोग गाना भी चलाने लगे है ना। अंदर अंदर गुनगुना रहे हैं, कुछ बचपन वाला गाना इस समय चल रहा है ना। तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हेडिंग डाल दीजिए। और मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा कि पश्चिमी घाट पर्वत के उदाहरण में नहीं आता। पश्चिमी घाट को पर्वत हम नहीं बोलते, पश्चिमी घाट को हम पहाड़ी भी नहीं बोल सकते, माउंटेन हिल कुछ भी नहीं बोलते। पश्चिमी घाट को क्या बताए थे, मार्जिन ऑफ प्लेट्यू, पठारों का किनारा है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट इज मार्जिन ऑफ प्लेट्यू, पश्चिमी घाट पठारों का किनारा है, पश्चिमी घाट पठारों का किनारा है, यह पर्वत का उदाहरण नहीं है। पर्वत देखिए, पश्चिमी घाट पठारों का किनारा है, पश्चिमी घाट पठारों का किनारा है, पश्चिमी घाट पठारों का किनारा है, ये भी साथ में जोड़ लीजिए, यह पर्वत या पहाड़ी का उदाहरण नहीं है, यह पर्वत या पहाड़ी का उदाहरण नहीं है, यह पर्वत या पहाड़ी का उदाहरण नहीं है, यह पर्वत या पहाड़ी का उदाहरण नहीं है। वेस्टर्न घाट इज एग्जाम्पल ऑफ मार्जिन ऑफ प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट इज एग्जाम्पल ऑफ मार्जिन ऑफ प्लेट्यू, इट इज नॉट ए माउंटेन और हिल, है ना। यह ना तो माउंटेन है ना, नाइदर माउंटेन नॉर हिल, इट इज नाइदर माउंटेन नॉर हिल, ना तो यह पर्वत है नहीं ये पहाड़ी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको बात। लेकिन पढ़ते इसको कहा है पहाड़ी के अंदर। अब घाट का मतलब एक दिन बताया था, याद है आप लोगों को, सीढ़ी जैसा। वाह, नदी के किनारे हम जाते हैं तो हर जगह घाट तो नहीं बोलते। अभी अब छठ में लोग कहे चलिए घाट पर, आइए आइए छठ में लोग कहे चलो घाट पर। घाट आते ही मन में क्या आता है कि कुछ ऐसा होगा जहां हमको नदी में उतरने का जगह बना होगा, ऐसे सीधा नहीं होगा है ना। वहां पर देखते हैं कि इंसान वहां से नहाने कौन जाता है, जिसको खूब तैरना आता है, जो ऊपर से छलांग लगा डायरेक्ट नीचे। आप कभी तैरे नहीं है तो जाएंगे वहां, किनारे भी नहीं खड़ा होते आप, ये गलती से पैर फिसला तो कहीं गए तो फिर गए है ना। लेकिन जो तैरना जिसको नहीं आता वो घाट पर जाता है। घाट का मतलब सीढ़ी, इस पूरे पहाड़ का निर्माण सीढ़ी जैसा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं घाट। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और सभी पहाड़ में घाट तो लगा नहीं, इसमें घाट लगा है। इसका मतलब क्या है कि सीढ़ी जैसा इसका निर्माण हुआ है। कर लिए नोट, एक फोटो बना लीजिए। बनाइए इसको थोड़ा बड़ा, नीचे वाला भाग को थोड़ा ज्यादा रखिएगा, थोड़ा बड़ा रखिएगा, बीच वाले को कम रखिएगा। ये महाराष्ट्र का भाग है, MHA का मतलब, उसके बाद कर्नाटक है, KARN का मतलब कर्नाटक, TN का मतलब तमिलनाडु, और केरला, केरला। इसकी कुल लंबाई कितना भैया, 1600 किलोमीटर। मेरा कोशिश ये है कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, फैक्ट तो कहीं मिल जाता है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई। आजकल इंटरनेट की दुनिया में ये सब बचता है, किसी भी पिक की हाइट ढूंढना हो, किसी भी चोटी की ऊंचाई जानना हो तो क्या आप नहीं जान सकते। अगर इंटरनेट आपके पास है, हाइट ऑफ दोदा बेटा
सामने दिख जाएगा। तो आजकल फैक्चुअल चीजें कहीं भी है, कॉन्सेप्ट जानना है कि चीजें हैं क्या। इसी दोनों के बॉर्डर पे, मतलब आप देखिएगा तो केरल ऐसे है, इधर तमिलनाडु है, केरल ये तमिलनाडु, और पहाड़ ऐसे आया है। ठीक, समझ में आ गया बात। तो केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, गोवा में वैसे नहीं है, लेकिन मान सकते हैं आप, यहाँ गोवा भी थोड़ा सा कर लीजिए, बिल्कुल है गोवा में, थोड़ा सा है, मेनली कर्नाटक में है। इस पर्वत को महाराष्ट्र के लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री एक चैनल भी है, डीडी दूरदर्शन जो है ना, दूरदर्शन पहले डीडीए पर ना चलता था सब, डीडी वन, डीडी न्यूज, पहले जब नहीं था डीडी नेशनल, हाँ जब नहीं था वो छाता सेटअप बॉक्स, उससे पहले केवल क्या देखते थे लोग, डीडी नेशनल देखते थे लोग, उसी पे जो सीरियल आया, फिल्म आती थी सैटरडे संडे को शाम को, तो पूरे परिवार बैठ कर देखते थे। शक्तिमान तो बाद में आया, लेकिन पहले फिल्म आती थी तो उसमें पूरे परिवार सब बैठ कर क्या करता था, उस फिल्म का क्रेज होता था, पूरा घर परिवार मिल कर फिल्म देखता था, कोई सेंटिमेंटल सीन आया तो रोने भी सब लगता था। हाँ रामायण पहले था, रामायण में तो चप्पल जूता खोल कर लोग आता था, बाहर ही खोल दे जाता रामायण सीरियल, गाँव के एक दरवाजे पर होता था टीवी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी एंटीना वाला, झिलझिलाने लगा, मच्छर वाला पार्ट आ गया तो ऊपर में सब ठीक कर रहा है, रहने दो रहने, नीचे चिल्ला रहा आदमी, तो वो एक अलग सीन था, टीवी का क्रेज था उस समय। अब तो टीवी का क्या क्रेज रहेगा, लैपटॉप में ही सब कुछ है, मोबाइल में ही सब कुछ है, फिर भी टीवी का एक अपना मजा है। घर में टेलीविजन जो लगा है ना, भले ही मोबाइल में सब कुछ आप देख लेते हो, लेकिन टेलीविजन का आज भी क्रेज है ना। जो भी हो, हम तो कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए किसी रिलेटिव के यहाँ, तो पहले अगर एक दिन रहना हो तो ढूंढते हैं कि टीवी लगा है कि नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ, अभी भी मैं बच्चा बन जाता हूँ रियल लाइफ में, टीचर आपके सामने हूँ, टीवी नहीं लगा है, अरे इतने बुजुर्ग हो गए आप टीवी देखिएगा, हम यहाँ टीवी देखेंगे क्या दिक्कत है। टीवी देखता हूँ मैं, कहीं भी जाता हूँ टीवी देखता हूँ। चलिए तो क्या कहा मैं भाई, डीडी का एक चैनल है सह्याद्री, डीडी सह्याद्री यहीं से आया था, डीडी उर्दू, डीडी हिंदी, डीडी सह्याद्री है ना। कर्नाटक और गोवा को मिलाकर बोला जाता है। ये सब चीज़ इसलिए चर्चा करता हूँ बीच बीच में कि आप टेलीविज़न के इतिहास को भी जानें। टेलीविज़न के इतिहास पर ऐसे निबंध लिखने आ सकता है, आईएएस के मेंस में भारत में टेलीविज़न के इतिहास और उसका भारत की संस्कृति में क्या योगदान है, इस पर निबंध लिखने के लिए भी आ सकता है। तब टेलीविज़न के इतिहास जानेंगे तभी ना निबंध लिख पाएंगे। ये खाली बात बनाइएगा कि टेलीविज़न में पहले बहुत संस्कारी चीज़ें दिखाई जाती थी, इससे हमारा संस्कार बहुत बढ़ता था, कितना दूर तक जाइएगा लिखते हुए इसको, कुछ कंटेंट भी तो आपके पास होना चाहिए। अब बुझा कि LED या CFL में क्या अंतर है, क्वेश्चन आया। CFL में, CFL होता है CFL बल्ब, LED में क्या अंतर है, तो पहली बार जब पूछा तो लोगों को नहीं पता था, कुछ लोगों को तो लिखे CFL LED दोनों अच्छा बल्ब होता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा लाइट करते हैं, लेकिन CFL LED से थोड़ा बढ़िया लाइट करता है, दोनों सस्ता होते हैं। अब कितना दूर तक जाइएगा लिखते हुए इसको, 10 लाइन 20 लाइन है, मेंस का क्वेश्चन था, आता है तो आप लोग जानकारी भी रखिए। आपको जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर क्षेत्र में आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ नहीं पढ़ाया, टेंशन मत लीजिए, पश्चिमी घाट हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दो पश्चिमी घाट, और इस चित्र को बना लीजिए, जैसे उसने बनाया था ना सब पूरा पर्वत, याद है ना, उस तरह से पश्चिमी घाट का चित्र बनाए हैं। पश्चिमी घाट का सुन लो पहले तब बनाना, उसका विस्तार महाराष्ट्र में है, कर्नाटक और गोवा में है, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है, इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। बना लीजिए थोड़ा देर रुक रहे हैं आप लोग के लिए, थोड़ा टाइम सही आप लोग है ना, समय से आएंगे तो टीचर को सहूलियत होगा आपको समझाने में और पढ़ाने में। नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ है, तो नज़दीकी है, देख दो पथ कौन सा दूर, हम हाजीपुर से हैं, तब
रोज आते हैं हाजीपुर से, जाम मिलता है तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, तब या बोलते हैं जहानाबाद से आए, रोज डेली जहानाबाद से आते हैं। हो गया, बन गया चित्र। महाराष्ट्र में ये पश्चिमी घाट जो है ना, उसको महाराष्ट्र में सह्याद्री हिल के नाम से जानते हैं। पूरे पर्वत का नाम क्या? पश्चिमी घाट। लेकिन महाराष्ट्र के लोग इस पहाड़ को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। लेकिन आप जब बुक पढ़िएगा तो बुक में कहीं कहीं लिखा रहता है पूरे पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री, और कहीं कहीं पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री लिखा, तो घबराइएगा नहीं, पूरे पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री बोला जाता है। क्लियर है? वैसे स्पेशली पूछा जाए किस राज्य में बोला जाता है, तो महाराष्ट्र में। कर्नाटक में इसे बोला जाता है ब्रह्मागिरी हिल, ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मा गिरी की पहाड़ी कर्नाटक में और गोवा में मिलाकर क्या बोलते हैं? ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मा गिरी हिल। है पश्चिमी घाट, इन कर्नाटक के लोग स्पेशली क्या बोल रहे हैं? तमिलनाडु और केरल में इसे बोलते हैं अन्नामलाई हिल, तमिलनाडु में बोलते हैं, केरल में नहीं। अन्नामलाई की पहाड़ी, और केरल में बोलते हैं इसको इलायची की पहाड़ी। इलायची जानते हैं ना, इलायची खाते हैं हम, वही इलायची। अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डेमम हिल, केरल में क्या बोलते हैं? कार्डेमम हिल। इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम, कार्डेमम का मतलब इलायची होता है। इलायची कोई फल का पार्ट नहीं है, मसाला का पार्ट है। ना तो इलायची सब्जी है, ना तो इलायची फल है, इलायची क्या है? मसाला। हाँ, इधर केरल है, उधर तमिलनाडु है। इधर इस साइड मतलब पश्चिम में केरल है, और पूरब में तमिलनाडु है। नहीं, इलायची मसाला का भाग है ना, खाना खाने के बाद भी खा लेते हैं इलायची, कुछ खाते हैं साथ में, लोग क्या खा लेते हैं? इलायची। या कहीं जा रहे हैं, बड़ी पार्टी है तो वहाँ भी थोड़ा इलायची खा के जाते हैं, ताकि खुशबू फैलते रहे। नहीं, और खासकर नहीं, जो पुरुष हैं वो अपने घर में पत्नी के डर से, कुछ अगर बाहर में कुछ, समझ रहे बात, तो वो खा लेते हैं ताकि घर में कुछ पकड़े न जाए, है ना। डर तो सब इंसान को, आज डर भले ही चल रहा है मौसम कि भैया पुरुष महिला सशक्तिकरण, लेकिन पुरुष बेचारे जितना असक्त, हम ही देख रहे हैं कितना डरा हुआ है, कितना घबराया हुआ है। तो भैया इलायची समझ गए, इलायची पान मसाला का भाग है, मसाला जो होता है ना उसका भाग। तो इलायची आप जानते भी, केरल को क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा। केरल को क्या बोलते हैं? नहीं तो लिख, जो लोग जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हो लिख लो। क्या बोलते हैं भैया? मसालों का बागीचा। केरल को, केरल राज्य को गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं। केरल इज नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइस। केरल को मसालों का बागीचा कहा जाता है, केरल को मसालों का बागीचा कहा जाता है, केरल को मसालों का बागीचा कहा जाता है। केरल को मसालों का बागीचा कहा जाता है। क्लियर है? पूरे पहाड़ का, यानी पूरे पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केरल में है। ऐसे तमिलनाडु में भी पड़ जाता है हिस्सा, लेकिन मेनली वो केरल में है, केरल में है। उसका नाम है अनाई मुदी। उसका नाम है अनाई मुदी। हाइट है 2695 मीटर। पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी।
मुडी या मुदी एक ही बात है, मुडी भी लिख सकते हैं, यहां है केरला में, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में पड़ जाता है, ठीक है। इस साइड मत बोला कीजिए, पश्चिम में या केरल में, भूगोल में इस साइड नहीं होता है, भूगोल में या तो होगा ईस्ट साइड या वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड या साउथ साइड, या इस साइड करेंगे तो मामला दिख। तो भैया केरला में अनाई मुदी पीक है जो पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। थोड़ा सा तमिलनाडु में बोल तो दिया शुरू में कि थोड़ा सा ही क्या है, अगर ऑप्शन में अगर आ जाए कि कहाँ है अनाई मुदी, ऑप्शन में चार ही है, केरल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, तब क्या लगाएंगे, केरल। ज़्यादा सही कौन है, केरल। लेकिन अगर बीपीएस से पूछ लिया तो ये लगा दीजिए, ये ऑप्शन केरल तमिलनाडु दोनों में है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा इसका कहाँ है, केरल में। अगर ऐसे चार ऑप्शन दे तो सही आंसर क्या होगा, केरल। तो ये पूरा सुन लो, ये पूरे पश्चिमी घाट की नहीं, सुन लो मेरी बात पहले, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, केरल की पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी तो केरल की भी है। अगर आपसे पूछा जाए पूरे दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में और भी तो पहाड़ हैं, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी हिल, पूरे साउथ इंडिया के भी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, अनाई मुदी। यानी पूरे भारत की नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत में तो दूसरा है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, पूरे भारत की नहीं, केवल दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी अनाई मुदी, पश्चिमी घाट की चोटी पूछे तब भी अनाई मुदी, केरल की चोटी पूछे अनाई मुदी। लिख दीजिए, अनाई मुदी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ केरला, वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया। अनाई मुदी केरल की, पश्चिमी घाट की, अनाई मुदी केरल की, पश्चिमी घाट की, अनाई मुदी केरल की, पश्चिमी घाट की तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर, ठीक है, बन गया, अच्छा बनाइए बनाइए। अनाई मुदी केरल की, पश्चिमी घाट की, दक्षिण भारत की सबसे, देखो स्टूडेंट यहां पर एक जगह है केरल में, कहां पर भैया, इधर देख लो, यहां पर केरल में एक जगह है, केरल में इस साइड कौन सा जगह है, केरल, इस साइड तमिलनाडु, मतलब वेस्ट साइड केरला और ईस्ट साइड तमिलनाडु। केरला में एक जगह है जिसका नाम है, जगह कम था इधर लिख दिया, जिसका नाम है शांत घाटी, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अंग्रेजी में बोलते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरल में एक और जगह है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो गोला बनाए ना, एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम क्या है, शांत घाटी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि साइलेंट वैली कहाँ है, सीधे कहाँ है भैया, केरल में। अब एक लड़के ने हमसे पूछा कि सर इसका नाम शांत घाटी कहाँ पड़ा, क्या यहाँ जाने पर शांति मिलती है, मुक्ति मिल जाता है, बोले ऐसी बात नहीं है, शांत घाटी नाम इसलिए पड़ा इसके जंगल को काटा जा रहा था, वहाँ के लोगों ने धरना दे दिया कि पहले हमको काटो तभी जंगल काटने देंगे, तो उस दिन से सरकार ने निर्णय लिया कि इसको शांत रहने दिया जाए, काटा कोटा ना जाए, इसलिए नाम क्या पड़ गया, साइलेंट वैली या शांत घाटी। वैसे ही एक आंदोलन चला था, जैसे केरल के शांत घाटी को लेकर आंदोलन चला, उसी प्रकार का एक आंदोलन चला था उत्तराखंड में जिसका नाम था चिपको आंदोलन। महिलाएं क्या करती थी, पेड़ में चिपक जाती थी, बोलते पहले हमको काटोगे तभी काटने देंगे पेड़ को,
इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। इससे संबंधित थे गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, ये महत्वपूर्ण नेता थे। अभी हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, करंट अफेयर में आपको पढ़ना भी है। कुछ दिन पहले सुंदरलाल बहुगुणा का डेथ हो गया है, क्योंकि करंट अफेयर में निधन को ही पढ़ना पड़ता है। कोई बड़ा आदमी मरा है तो भी याद आपको रखना पड़ेगा कि कौन कौन मरा है ना जी। तो गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन। ऐसा ही एक आंदोलन चला था कर्नाटक में, उसका नाम था एपिको आंदोलन, है ना। हेगड़े, हेगड़े नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने चलाया था एपिको आंदोलन। एपिको कर्नाटक में क्या चला था, पेड़ को बचाने के लिए कर्नाटक में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था एपिको आंदोलन। और उत्तराखंड में जो चला था उसका नाम था चिपको आंदोलन, ठीक है, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस तरह से केरला में शांत घाटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने आंदोलन चलाया था, उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए नाम पड़ गया शांत घाटी। वैसे राजस्थान में एक संप्रदाय है जिसका नाम है बिश्नोई संप्रदाय। राजस्थान में एक संप्रदाय है जिसका नाम है बिश्नोई, जनजाति है ये, जनजाति का नाम है भी, जैसे मुंडा है ना, मुंडा है, संथाल जनजाति होता है, आदिवासी नाम सुना है ना, तो उसी में एक बिश्नोई आदिवासी है राजस्थान में। प्रकृति और पशुओं से सबसे ज़्यादा प्रेम भारत में कौन करता है, बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई जाति के लोग, बिश्नोई जनजाति के लोग पशु और प्रकृति से सबसे ज़्यादा, उनको उनके इलाका अगर पेड़ काट दिए हो सकता है व्यक्तिगत पंगाव ले लेंगे आपसे, ऐसा नहीं कि मतलब केस करेंगे, उसके लिए आपको पहले ही पंचायत बिठा देंगे, वहीं पर मारेंगे आप कोई पशु को तंग कर दिए। वही बिश्नोई संप्रदाय के लोग ही सलमान खान पर केस किया था, काला हिरन, काला हिरन, चिंकारा हिरन जिसको बोलते हैं, उसके शिकार को लेकर ये लोग फिल्म की शूटिंग में गए थे और शिकार कर दिए, कुछ हिरन को मार दिए, बड़े घर के लड़के थे सब, है ना, शिकार तो राजा महाराजाओं की पेशा है, ये लोग भी अपने आप को क्या मानते हैं, राजा ही मानते हैं, मार दिए तो कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ रहा है, जेल में भी जा रहे हैं इसी हिरन के चलते। तो हिरन मारने दिए थे तो बिश्नोई संप्रदाय के लोग केस कर दिया, तो ये था, तो अपने बेटे की तरह मानते हैं हिरन को, चिंकारा हिरन जो है ना, उसको बिश्नोई संप्रदाय की महिलाएं जो सब स्पेशली अपने बेटे की तरह प्यार करती है, तो ये होता है उनका। तो कुछ जानकारी मिला आप लोगों को, अरे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिला तो बोल भी दिया करो, यस लगे कि आप तक तो कुछ पहुंचा है। हाँ, एक और पीक है कर्नाटक में, इसका नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कुद्रेमुख, इसका हाइट है 1894 मीटर, कहीं कहीं 95 भी लिखा रहता है, पर आप 1894 लिखिए, इसकी हाइट है 1894 मीटर। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की हाइट है 1894 मीटर। देखो बच्चा, कुद्रेमुख से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये तो पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तनाई मुदी, पश्चिमी घाट की सबसे चोटी कौन है, अनाई मुदी। आपसे ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, अभी तक तो नहीं पूछा है, पूछ भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी बोलिए कुद्रेमुख, लेकिन कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। क्या पूछेगा, कुद्रेमुख में एक लोहा का खदान है, लोहा का खदान है, आयरन माइंस है, कुद्रेमुख में मिलता है हेमेटाइट लोहा, सॉरी मैग्नेटाइट लोहा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा आयरन का ओर, 10th क्लास में पढ़े मेटलर्जी, उसमें पढ़े होंगे आयरन का ओर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, फिर एल्युमिनियम का ओर पढ़े होंगे, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सब पढ़ा है ना। तो जो लोग जस्ट प्लस टू पास हैं उनको तो याद होगा, और जो लोग 3 साल बीए में बिता लिए उसे भुला गए,
ये सभी पढ़ना था, बिल्कुल पढ़ना था, है ना। एक्चुअली बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, खास करके उनको लगता है विषय केवल गणित होता है और दुनिया में कोई विषय नहीं है। दसवीं में आकर साइंस थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आठवीं तक वो साइंस देखते भी नहीं। और SST तो छोड़िए दीजिए, वो मैट्रिक पास हो जाते हैं तब भी नहीं पूछे SST, बोले ये कौन सा विषय है, ये भी विषय था क्या, तेरे भूगोल का परीक्षा नहीं दिए थे। अरे भूगोल वो पढ़े नहीं थे लेकिन परीक्षा में पास कर गए, कोई दिक्कत नहीं। तभी लोग IAS की तैयारी करते हैं तो उनको कहा जाता है कि छठी क्लास का NCERT शुरू करिए। अगर पहले से पढ़े होते तो ऐसा करना नहीं पड़ता, पर पता चला कि पहले ही यही CBSE वाला जो बच्चा होता है केवल 9th 10th 11th 12th का पढ़ देता है NCERT, क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ता है तो कॉन्वेंट में रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें हर विषय बच्चा जानता है कि SST है, ये सोशल साइंस है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया, कुदरे मुख में पूछा जाए क्या मिलता है, कौन सा लोहा, बोलो मैग्नेटाइट। एक और पीक है महाराष्ट्र में, इसका नाम है कालसुवाई। यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कालसुवाई, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कालसुवाई महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर है। कुद्रेमुख में कौन सा लोहा मिलता है, मैग्नेटाइट, लेकिन सबसे बढ़िया लोहा होता है हेमेटाइट। सबसे बढ़िया लोहा कौन होता है, सेकंड नंबर पे आता है मैग्नेटाइट, थर्ड नंबर पे आता है सीडेराइट, और सबसे घटिया लोहा होता है लिमोनाइट। तो पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के किसी माइंस का लोहा पूछ ले, कर्नाटक के किसी माइंस का लोहा पूछ ले, हेमेटाइट। ये सब दसवीं में था, ये सब 10th क्लास में पढ़ना था। अब जिसका जिसका दसवीं वाला चीज पूछेंगे गड़बड़ रहेगा, वो सबसे फाइन लिया जाएगा, कैसे भुला गए दसवीं क्लास का चीज, है ना, क्यों चलेगा ना फाइन। इसलिए कहता हूँ कि भैया क्या करिए, आप क्लास करते रहिए पर NCERT पढ़ते रहिए। अभी आपके पास टाइम है तो 6th क्लास के NCERT उठाइए, और 6th क्लास के NCERT में दम नहीं होता, इतना पतला होता है कि उसको दिन भर में ख़त्म किया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए 6th क्लास NCERT को पूरे दिन में एक बार बैठे तो पूरा NCERT ख़त्म करके ही उठेंगे, और उसको कम से कम 5 बार पढ़ जाएंगे, दिन भर में नहीं 2 दिन में टारगेट लेंगे, 2 दिन का 6th क्लास का NCERT 5 बार 2 दिन में ख़त्म कर देना है। फिर 7th क्लास का NCERT क्लास बढ़ेगा तो मोटाई किताब का बढ़ेगा, तो फिर 5 दिन रख लीजिए समय, 5 दिन में 7th का NCERT 5 बार खत्म, फिर 8th क्लास की मोटाई और बढ़ जाएगा, तो ले लीजिए 10 दिन का समय, 10 दिन में 8th क्लास के NCERT को 10 बार पढ़, 10 बार नहीं 5 बार, ज़्यादा जोश में बोल दिए, 5 बार पढ़ जाएंगे, ठीक है। और 9th क्लास का और मोटा हो जाएगा बुक, तो 20 दिन समय ले लीजिए, 20 दिन में 9th क्लास के NCERT 20 बार 5 बार पढ़ जाना है, 5 बार पढ़ जाना है। फिर 10th क्लास के NCERT 25 दिन रख लेंगे समय, टोटल आप देखेंगे तो 4 महीने में पूरे NCERT को 5 बार से 10 बार के बीच में पढ़ा जा सकता है। और NCERT अगर 5-7 बार आप पढ़ लिए तो आपको किसी भी परीक्षा का IAS का भी, खाली करंट पढ़ के जाइए आपका PT रुकेगा नहीं। अब मेंस में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है, बेसिक NCERT बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, इसलिए NCERT आप लोग पढ़िए। NCERT गीता होता है, उसको जितनी बार पढ़िएगा उतना कुछ निकलेगा उसमें से, जैसे अभी पढ़े एक बार फिर दोबारा पढ़े तो कुछ नया मिल गया, हर बार कुछ नया मिलेगा। अब 5 बार तो मैंने बोला है, अब लिमिट मत बनाइए, अब टाइम है तो 10 बार पढ़ लीजिए, 6th से लेकर 12th तक NCERT को 10 बार आप पढ़ जाइए सारे बुक। साइंस केवल 10वीं तक, साइंस 10वीं से ज़्यादा का मत पढ़िए, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक इकोनॉमी 11th 12th तक पढ़ लीजिए, ठीक। आई आपको करना चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं टीचर हैं अलग बात है, लेकिन NCERT किताबें आपके लिए भगवान होना चाहिए। और प्रीवियस पेपर, दूसरा आपको क्या करना चाहिए, डेली प्रीवियस पेपर सॉल्व करना चाहिए,
प्रीवियस पेपर को हल कीजिए, उससे पता चलेगा कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो दायरे में है या बाहर है। ठीक है, तो हो जाएगा। टॉपिक का प्रीवियस पेपर नहीं आएगा ना, पूरे भूगोल का प्रीवियस पेपर आएगा। केवल टॉपिक तो घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र प्रीवियस पेपर आता है, उसमें टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है। ठीक, घटना चक्र बोलिएगा भूगोल दे दीजिए, प्रीवियस पेपर तो दे देगा और उसमें टॉपिक वाइज। ठीक, हो गया। अब आइए पासेज, पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के दर्रे। अब दर्रा बनाने का जगह तो बचा नहीं है, अगर आपके पास जगह हो तो देख लीजिएगा, नहीं जगह तो उसका भी उपाय बता देते हैं, जगह नहीं तो उसका भी उपाय बताते हैं। कोई बात नहीं, आप तो जगह बना ही लीजिएगा, ऐसे बना लीजिए, अलग से बना लीजिए, दर्रा बना लीजिए इस तरह से। आपके पास जगह किस, जिनके पास कम है वो लोग इस तरीके से बना लें। दो तमिलनाडु वाले भाग में, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डरी पर दो, और दो महाराष्ट्र में बना लीजिए। ना, वो सब में दर्रा नहीं पढ़ाता था, तीसरे तो नहीं, जहाँ पर होगा वहाँ। बन गया। नंबर वन पर देखिए, सबसे टॉप पे जो है उसका नाम लिखे थाल घाट, उस दर्रा का नाम है, उस दर्रा का नाम है महाराष्ट्र में जो दोनों बनाया हूं ना, एक का नाम है थाल घाट दर्रा, थाल घाट पास, थाल घाट पास, थाल घाट दर्रा, और दूसरे का नाम है भोर घाट, भोर घाट पास, यानी भोर घाट, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ये दोनों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? और तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे जो पहला दर्रा, उसका नाम है पाल घाट। और इसका नाम है सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा पास, सेनकोट्टा दर्रा। तमिलनाडु और केरल के सीमा पर कितने दर्रा बोलो, समझ में आ रहा है ना एकदम पूरी तरह से? आप लोग ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? अरे ज्योग्राफी आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? हैं? भूगोल आप लोग के लिए क्या लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या सेनकोट्टा दर्रा नहीं बनाया क्या नीचे? आप बनाइए, बन गया? समझ में भूगोल ज्योग्राफी समझ में आ रहा है ना? या ऐसा लग, देखिए दो बातें होती है, नए बच्चे जो नए आए हैं उनको बोल रहा हूँ, दो बातें होती है, एक होता है क्लास चल रहा है इसलिए क्लास कर रहे हैं, एक होता है सर जो पढ़ा रहे हैं तुम समझिए कि सब याद हो जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी इंटरेस्ट आ रहा है। पहले भूगोल लगता था पता नहीं कैसा विषय है, पर आज लग रहा है कि भूगोल बड़ी ईजी और सबसे आसान तो यही है ना? तो ऐसा लग रहा है सब, किसको किसको लग रहा है ऐसा कि भूगोल बड़ी इजी और आसान है,
सब कुछ याद हो जाता है यहीं पर। किनको किनको ऐसा लग रहा है हाथ उठा दीजिएगा। तो बिना पढ़े कैसे होगा? तो यहाँ पर फिर भी 80% याद हो जाता होगा। अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा विषय जो बिना पढ़े आपको बिना घर पे पढ़े हो जाएगा? ये तो वही बात हुआ, हम जब लाइव फिल्म देखते हैं वहाँ भी कुछ सीन भूल जाते हैं, ये तो पढ़ाया हुआ चीज़ है, तो आपको रिविजन तो करना पड़ेगा ना। हमारा कहना है कि 80% आपको याद हो जाता होगा ही क्लास में। क्यों? पिछला जो सतपुड़ा पढ़े थे याद हो गया था पूरा सतपुड़ा है? और एक ही दिन सतपुड़ा हम एक ही दिन में पूरा पढ़ाए थे, जो पढ़ाए थे वो याद हो गया। घर पे पढ़ लिए पूरा आप लोग, लेकिन फिर भी समझ में तो आ गया होगा पूरा, ये भी समझ में आ गया। तो लिखिए, थाल घाट और भोर घाट किसको जोड़ता है? थाल घाट। अच्छा एक चीज और सुन लो, तब इसको करना। इस सनकुट्टा दर्रा के नीचे जो दिख रहा है पहाड़ अंतिम, इसका नाम है नागर कौल हिल, नागर कौल की पहाड़ी, नागर कौल की पहाड़ी यानी नागर कौल हिल, नागर कोहिल हिल। इन पश्चिमी घाट में सनकुट्टा दर्रा के नीचे का जो हिस्सा है उसे क्या बोला गया? नागर कोयल की पहाड़ी। ये प्रॉपर तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नागर कोयल हिल कहाँ है? तमिलनाडु में। अब एक कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है? ये तो समझ गया कि थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है। अब कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है? तो मेरे पास एक ट्रिक है, थाना भोपू। थाना में क्या बचता है चोर को भगाने के लिए? भिसिल। अरे भिसिल से चोर को भगाते हैं ना जी। रात में पुलिस वाले क्या बजाते चलते हैं? पेट्रोलिंग पार्टी जो होती है, पुलिस की जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है रात में क्या बजाती है? भिसिल, ताकि चोर अगर किसी के घर में घुस रहा हो तो तत्काल दीवार से उतर जाए, कुछ देर तक चोरी ना हो, या डंडा पटकता है। देखते हो रोड सड़क पर लाठी पटका जाता है पुलिस के द्वारा, एक डेढ़ बजे रात में धाम से डंडा पटकाएगा, अगर अकेले सोए तो डर भी जाएंगे कौन बाहर डंडा पटक दिया। जैसे पुलिस वाले करते हैं सुरक्षा के लिए। तो थाना में बसता है क्या? भोपुरी। ट्रिक बता रहा हूं आपको, था से हो गया थाल घाट, था से अन्नास हो गया नासिक, भोस हो गया भोर घाट, अपू से हो गया पुणे, पुणे। देखो थाल घाट भाई उतारना मत प्लीज, थाल घाट और भोर घाट ये दोनों से कहाँ जाते हैं? बम्बई मुंबई। ये दोनों से कहाँ जाते हैं? दोनों से कहाँ जाते हैं? मुंबई। कहाँ जाते हैं? मुंबई। अगर नासिक से मुंबई जाना हो तो किससे जाइए? अगर नासिक से मुंबई जाना हो तो किससे जाइए? थाल घाट से। अब पुणे से मुंबई जाना हो तो किससे जाइए? यानी पुणे से मुंबई को कौन जोड़ रहा है? भोर घाट। और नासिक से मुंबई को कौन जोड़ रहा है? अब कहीं भूलेंगे थाना भोपू, उतार नोट कर लीजिए, थाना भोपू को नोट कीजिए, है ना आसान? इसलिए तो बोल रहा हूँ कि यही याद करा दूंगा, यही सब याद करवा रहा हूँ। थाना में क्या बजेगा? भोपू बजेगा। क्या जी हो गया? अब आइए पाल घाट किसको जोड़ता है? देखिए पाल घाट कोयम्बटूर को त्रिवेंद्रम से जोड़ता है। पाल घाट कोयम्बटूर को
त्रिवेंद्रम से जोड़ता है, पालघाट कनेक्ट्स फ्रॉम कोयम्बटूर टू त्रिवेंद्रम। कोयम्बटूर का नाम नहीं सुना? कोयम्बटूर टू त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम पालघाट कोयम्बटूर को त्रिवेंद्रम तो सुने होंगे, त्रिवेंद्रम भी नहीं सुना। अगर त्रिवेंद्रम नहीं सुना तो ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी आपको याद होना चाहिए। केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, एक ही बात है, त्रिवेंद्रम। अगर त्रिवेंद्रम नहीं सुने तो ये गड़बड़ है। त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। केरल की त्रिवेंद्रम क्या है जी? राजधानी। अब त्रिवेंद्रम में एक बहुत फेमस मंदिर है, सबसे ज़्यादा संपत्ति उसी मंदिर की है, पद्मनाभम स्वामी मंदिर। पद्मनाभम स्वामी मंदिर केरल के त्रिवेंद्रम में क्या है? नौ तो लिख दो कोने में कहीं कि त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है तथा पद्मनाभम स्वामी मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, भारत सबसे रिच टेम्पल। पता है आपको उसमें जितने भी घर थे सबके दरवाजे खोल दिए गए, उसमें जितनी भी संपत्ति निकला अब सरकार के अंडर निगरानी में है। पर वहाँ के लोगों को कहना था कि मेन पुरोहित का सब संपत्ति है, तो बोला कि नहीं संपत्ति आप मंदिर आपका पुरोहित का थोड़ा ना मंदिर होता है, मंदिर सबका होता है, इसे संपत्ति सरकार को मिलेगा। खरबों रुपये की संपत्ति था उसके अंदर, है ना। तो वहाँ के राजा की फैमिली ने कहा कि भाई मेरा राज्य में मंदिर था, हमने बनवाया था। बोला नहीं किसी का नहीं, सरकार का है ना जी। सरकार को बताने से पहले निकाल लेना था, है ना, जितना निकाल सकते थे, फिर बाद में देखा जाता नहीं जी। देखिए क्या लिखे, पद्मनाभम स्वामी मंदिर कोयम्बटूर में क्या है? पद्मनाभम, पद्म मतलब फूल होता है, पद्मनाभम स्वामी मंदिर, पी ए डी एम ए पद्मा एन ए बी एच ए एम, पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, ये त्रिवेंद्रम में है। और कोयम्बटूर क्यों फेमस है? कोयम्बटूर क्यों फेमस है भैया? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर आपने सुना होगा, फुटबॉल का क्लब भी एक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लैंड में। इंग्लैंड में फुटबॉल अगर आपको पसंद हो थोड़ा मोड़ा भी तो फुटबॉल क्लब एक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड। भले क्रिकेट आप देखते हो लेकिन जो रोमांच फुटबॉल में है वो रोमांच क्रिकेट में नहीं। हम भी क्रिकेट पसंद करते हैं लेकिन, है ना, मैनचेस्टर एक शहर है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में मैनचेस्टर एक सिटी है, मैनचेस्टर, जहाँ सूती कपड़ों का बहुत बड़ा मिल है, सूती कपड़े वहाँ ज़्यादा बनते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ दुनिया में सूती कपड़ा बनता है उसे वहाँ का मैनचेस्टर बोल देते हैं। वैसे रियल मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में, लिख लीजिए ब्रिटेन में, लिख लीजिए, लिखो रियल मैनचेस्टर ब्रिटेन में है। मैनचेस्टर सिचुएटेड इन, बेसिकली सिचुएटेड इन ब्रिटेन, मैनचेस्टर मूलतः ब्रिटेन में स्थित है। मैनचेस्टर मूलतः ब्रिटेन में स्थित है। मैनचेस्टर मूलतः ब्रिटेन में स्थित है। क्लियर है? कहाँ है मैनचेस्टर? ब्रिटेन में है। लेकिन जहां जहां भी सूती कपड़ा बनता है उसे वहां का, तो कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं? भारत, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ले लो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर। अगर आपको नॉर्थ और साउथ हटा दे, केवल बोले मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आप बिहार का मैनचेस्टर, भागलपुर का सिल्क बनता है जी, मानपुर, बिहार में गया के बगल में
फल्गु नदी के उस पार एक जगह है मानपुर, तो बिहार का मैनचेस्टर मानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, याद रहेगा? चल मानपुर, मानपुर, मानपुर गया हो गया। अब देखिए सेनकोटा दर्रा किसको जोड़ता है, देखिए सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा पास, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, बिहार का मानपुर, याद रहेगा? सबका हो गया। अब लिखिए सेनकोटा दर्रा किसको जोड़ता है, सेनकोटा दर्रा मदुरै को त्रिवेंद्रम से जोड़ता है, मदुरै नाम नहीं सुना? कहाँ रहते हैं, भारत में नहीं? मदुरै तमिलनाडु का एक शहर है, बनारस जैसे है ना, बनारस काशी, जिस तरह हमारे यहाँ उत्तर भारत में बनारस का जो इम्पोर्टेंस है, साउथ इंडिया मदुरै का वही इम्पोर्टेंस है। त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मीनाक्षी टेम्पल है, वाह मीनाक्षी मंदिर है यहाँ। लिख लीजिए भैया, मदुरै को त्रिवेंद्रम से जोड़ता है। आपको बताया हूँ कि सुनो, उत्तर भारत में मंदिर का शहर किसको बोलते हैं, बनारस को। उत्तर भारत में मंदिरों का शहर, उसे दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर, मदुरै को दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर, दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर मदुरै, दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर मदुरै को कहते हैं। अब मदुरै में फेमस मंदिर कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, बनारस। इतना टाइम लगाएगा निकालने में, हाँ। उत्तर भारत में मंदिरों का शहर उत्तर भारत में मंदिरों का शहर बनारस, और दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर मदुरै, हो गया? नहीं लिखे, और क्या छूटा? हाँ, सेनकोटा दर्रा मदुरै को त्रिवेंद्रम से जोड़ता है, और दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर, और उत्तर भारत में मंदिरों का शहर बनारस। कभी जाइए आप तो शाम को 6 बजे जब शाम होता है तो कैंट स्टेशन से आप चले जाइए लंका तक, करीब 10 किलोमीटर के आसपास, कभी भी घंटी का आवाज़ बंद नहीं होगा, लगातार है मंदिर है। तो आपको एक एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करता तो दूसरा मंदिर है, आरती हो रहा है ना, अच्छा लगता था। बनारस में 2.5 साल पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था, मतलब बड़ी बेहतरीन सिटी है। कहानी पढ़ाए, अच्छा उत्तर भारत में कहानी पढ़ाए, मुजफ्फरनगर नहीं पढ़ाए, बरेली नहीं पढ़ाए, गया गया में ही पढ़ाए, गया नहीं, मुजफ्फरपुर मुजफ्फर पढ़ाए, भागलपुर नहीं पढ़ाए, उत्तरपुर में सब सीतामढ़ी सुपौल नहीं पढ़ाए, हाँ हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लिखिए। कुछ लोग लगता होगा कि ये इंसान मशीन है क्या, इतना ज़्यादा कैसे पढ़ा सकता है कोई इंसान, है ना, मैं सही मशीन हूँ। अभी लाइव चल रहा है तो समझिए पूरे उस इंडोनेशिया में भी लाइव दिख रहा होगा, आ जाता है कहीं कहीं का वीडियो आ जाता है, नहीं इंडोनेशिया वालों को सलाम। लिखिए नेक्स्ट, क्या लिखे, हो गया। अब लिखे पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, हम उत्तर भारत में किसी भी शहर में जाते हैं तो हमें एक लड़का जानने वाला उस शहर में मिल जाता है, और उसका मुझे फायदा होता है। लोकल लड़का होता है तो बाइक रखता है, हमको कहीं जाना है अपनी गाड़ी उसकी 4 व्हीलर है, तो हमको कहीं पर कुछ बुक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कोई मिले नहीं हमको, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं, मिल ही जाता है, तो उसका सुविधा हमको मिलता है लेकिन अच्छा नहीं लगता। स्टूडेंट पीछे पीछे गाड़ी लेकर के हमको चलेगा तो बेचारा उसका भी टाइम है, अब गुरुजी के चलते बेचारा भाग भी नहीं रहा है, जहाँ जहाँ उसको बोल रहे वहाँ वहाँ लेके चल रहा है, तो ठीक नहीं लगता। इसलिए हम चाहते हैं
कि पूरा मास उस लगा के जाना था कि कोई पहचाने नहीं। एक जगह हम एग्जाम देने खुद ही गए थे तो वहाँ जो एसआई था वहाँ खड़ा बाहर आके पैर छुआ, बोला कि सर पढ़े हैं आपसे लखनऊ में। हम कहे अच्छा अच्छा सर एग्जाम देने यहाँ पर। हम यहाँ चलिए सर दो सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में आप ऑफिस में बैठिएगा करके। हम ठीक है। एक बार तो मिल गया जो पेपर बांट रहा था लड़का, वही लेक्चरर था वहाँ, वही मिल गया जो गार्डिंग था मेरे कमरे में जिसका। तो सब अच्छा लगता है थोड़ा। तो आप लोग अच्छे पोजिशन पर जाएंगे अगर हम पहुँचे वहाँ। सब लोग एकदम डर के किनारे खड़े थे, आप उठ कर मेरा पैर छू ले तो सबके सामने मेरा इज्जत बढ़ गया। तो टीचर की कमाई और क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट टीचर और कमाता क्या है? आपका सिलेक्शन, आपके माता पिता या गुरु या फिर कोचिंग क्या कमाता है? आपका सिलेक्शन। जीवन भर उसी के नाम को जपता है कि मेरा बच्चा यहाँ ये है वहाँ वो है। अपने ग्रुप में खास कर बैठता है तो इज्जत बनाता है। अरे ज़्यादा बात मत करो बाबू, सामान्य समझा हो क्या? अभी तुरंत लगाते हैं डीएम को फ़ोन। आप लोग बनिएगा तो करेंगे ना फ़ोन जी? अगर आप लोग बनिएगा डीएम तो कॉल लगाया जाएगा और आपसे बात करवाया जाएगा कुछ लोगों को। फिर डर के मारे कुछ लोग हमसे बोलेंगे नहीं। लेकिन आगे चलिए। तो ये सब कब मिलेगा? जब आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। पश्चिमी पूर्वी घाट हेडिंग डाल दीजिए, इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर यानी पश्चिमी घाट की आधी है। इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी नॉर्थ आंध्र प्रदेश, साउथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। यहाँ पर नीलगिरी है, यहाँ पर नीलगिरी हिल या गांठ बोल सकते हैं, नीलगिरी हिल है। वो गैप खोल रहे हैं, यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी आती है महानदी, यहाँ पर एक नदी आती है महानदी। बनाइए बन रहा है, बनाओ। यहाँ पर एक जगह है पुरी, पुरी के नाम सुना है? जगन्नाथ पुरी, जहाँ रथ यात्रा निकलता है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। सुने होंगे ना रथ यात्रा, सुना है? जगन्नाथ हैं, गए भी हैं? अच्छा कोई बात नहीं, जाइए कभी घूम के आइए। घूमने वाले जेब से गरीब होते हैं लेकिन दिमाग से अमीर। घूमिए तो पैसा खर्चा होगा लेकिन दिमाग से क्या होते हैं? अमीर। बाकी तो हम घुमा ही रहे भूगोल में, आप घूम ही तो रहे हैं, डेली घूमते हैं। कल ही अटलांटिक महासागर में गए हुए थे, है ना? हम तो घूमते ही रहते हैं, न्यूयॉर्क शिकागो कभी भी चले जाते हैं, अभी कहो तभी चले जाए। कम से कम अमेरिका गए होंगे 500-700 बार अमेरिका गए होंगे, मतलब बोर्ड पर, है ना? आज ग्लोबल विलेज है, पूरे दुनिया एक गाँव के समान हो गया है। आप लाइव न्यूयॉर्क का सीन देख सकते हैं। नहीं क्या, कहाँ के ऊपर? नॉर्थ आंध्र प्रदेश, साउथ आंध्र प्रदेश, मैंने दर्रा जो है ना आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटा है। दर्रा के ऊपर में नॉर्थ आंध्र प्रदेश, दर्रा के नीचे में फिर तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका विस्तार पूछे कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उड़ीसा से तमिलनाडु, या बोलेंगे महानदी से नीलगिरी, या बोलेंगे पुरी से ऊटी। पुरी से ऊटी, नाम सुना है ना ऊटी का? ऊटी एक हिल स्टेशन है। अब पुरी से तमिलनाडु मत बोल दीजिएगा, अगर शहर की बाउंड्री बना रहे हैं तो शहर का बनाइए। पुरी से ऊटी, उड़ीसा से तमिलनाडु, या महानदी से नीलगिरी, एक ही बात है तीनों, तीनों सेम चीज़ है। ये जो दर्रा है ना, यहाँ से एक नदी भी गुजरती है, इस नदी का नाम है गोदावरी। नाम सुना है? गोदावरी, गोदावरी नदी इसी से पार होती है। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। आपको हम जब गोदावरी नदी अलग से पढ़ाएंगे, नदी नदी चैप्टर, तो वहाँ भी बताएंगे। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर,
ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अभी आपने पढ़ा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, अब क्या पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। आज कितना बढ़िया बढ़िया जीके मिल रहा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ही ओल्ड गंगा मत कर दीजिएगा, नाम अंग्रेजी में भी वृद्ध लिखेंगे। दक्षिण भारत की गंगा की बात करिएगा, उसको बोलते कावेरी को, लेकिन दक्षिण गंगा पूछे भारत न लगाए तो गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी नदी पढ़ाएंगे डिटेल नदी के चैप्टर में, तत्काल गुजर रही यहाँ से। इस दर्रा का नाम है, इस दर्रा का नाम है नंदयाल दर्रा, नंदयाल दर्रा, नंदयाल पास। पूछा जाए किससे होकर गुजरती है गोदावरी नदी, तो नंदयाल दर्रा से। इस पूरे पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसा आपने देखा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, वो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची थी, उसी तरह से पूछा जाए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, वह है उत्तरी आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है, उसका नाम है उमारा कोंडा, या फिर इसका एक और नाम है ओरमा कोंडा। कहीं कहीं देता है ये स्पेलिंग, कहीं कहीं ये स्पेलिंग ओरमा कोंडा। इसका एक और भी नाम है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह भी है, वो सब अलग अलग है। अब क्या मैंने पहाड़ की चोटी पे बंदरगाह रहेगा, जहाज पहाड़ की चोटी पे चढ़ेगा, इसमें बंदरगाह अलग है, इसका मतलब बंदरगाह अलग है। अरे ये पीक अलग है, यानी ओरमा कोंडा पीक को विशाखापत्तनम पीक के नाम से भी, मैंने अगर विशाखापत्तनम बोले, ओमरा कोंडा बोले, ओरमा कोंडा बोले, सब एक ही बात है। इसकी हाइट है 1685। इसको ही भगवान ने फुर्सत से बनाया होगा, जैसे पारसनाथ को बनाया था 1365, वही 1680 मीटर याद रहेगा ना, कभी नहीं भूलेंगे अब 16.5 / 80। तो लीजिए ओमरा कोंडा पूरे पूर्वी घाट की और आंध्र प्रदेश दोनों की क्या है सबसे ऊंची चोटी, लिख लीजिए ओरमा कोंडा या विशाखापत्तनम पूरे आंध्र प्रदेश की तथा ओरमा कोंडा या विशाखापत्तनम दोनों एक ही बात है, पूरे आंध्र प्रदेश की तथा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ओरमा कोंडा या विशाखापत्तनम इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे ऊंची चोटी पूछा तो क्या बोलेंगे, ओरमा कोंडा। क्लियर है? वैसे पुराना वाला एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें दिया है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो कि गलत है, मतलब चेंज हो गया वो चीज, पुरानी एनसीईआरटी में गलत दिया है। वो है इसमें, इसी में है, इसी पहाड़ में है, उसका नाम है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1501 मीटर, देख रहे हैं ना आप, हाइट से देख लीजिए कौन ऊंचा है, रटने की इसमें क्या जरूरत है। विशाखापत्तनम पिक की हाइट 1680 है, इसकी हाइट 1501 है, तो हाइट याद करने की जरूरत तो है नहीं, पता चल गया कौन ऊंचा है, इसे देख के भी पता चल रहा है हाइट से। लेकिन पहले ही बता दिया कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ के ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, उसमें लिखा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पर है कौन, ओमरा कोंडा।
हाँ हो ही जाएगा। उड़ीसा राज्य की सबसे चोटी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, निमयगिरी, उदयगिरी, ये सब पूर्वी घाट का ही नाम है उड़ीसा में। उड़ीसा में गिरी गिरी लगा रहे, समझिए कि सब पूर्वी घाट का उड़ीसा में भाग है। इस बार क्वेश्चन भी आया है, इस बार क्वेश्चन आया है यूपीएससी में नदी से, इनमें से कौन सी नदी पूर्वी घाट से नहीं निकलती, कौन सी नदी नहीं निकलती। चार ऑप्शन दिया था, उसमें दो निकलती थी, तो ऑप्शन दिया एक दो तीन सही है, एक दो तीन चार सही है, एक दो सही है, इस तरीके से हो गया। इतना यहां तक नोट कर लिए कि महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य की सबसे, ऐसे बता दें कि इस पूरे पहाड़ को, इस पूरे पूर्वी घाट को उड़ीसा में निमयगिरी हिल के नाम से जानते हैं, निमयगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में पूर्वी घाट को निमयगिरी हिल के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में पूर्वी घाट को निमयगिरी हिल के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में पूर्वी घाट को निमयगिरी हिल के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में पूर्वी घाट को निमयगिरी हिल के नाम से जानते हैं। जहाँ भी रहे निमयगिरी, उदयगिरी है ना, महेंद्रगिरी, ये सब कहाँ हैं? उड़ीसा में। इस पहाड़ को उत्तरी आंध्र प्रदेश में, उत्तरी आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला हिल के नाम से जानते हैं, नल्ला मल्ला की पहाड़ी, उत्तरी आंध्र प्रदेश में इसे नल्ला मल्ला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नल्ला मल्ला का जंगल भी है वहाँ। नल्ला मल्ला की पहाड़ी मतलब उत्तरी आंध्र प्रदेश, वहाँ पर बहुत भयानक क्या है जी, जंगल भी है। यहाँ गोदावरी बह रही है, इधर से वर्धा बह के आती है, इधर से गोदावरी, इधर से कौन आती है, वर्धा नदी। कौन नदी आती है? गोदावरी और वर्धा के बीच इतना घना जंगल है कि अगर आप, अगर कोई प्लेन क्रैश हो जाए तो ढूंढने में लग जाता 3 से 4 दिन। हाँ, आम आदमी का हेल्पर रहता तो पता नहीं कितना दिन बाद मिलता। वहाँ के आंध्र प्रदेश सीएम थे YS राजशेखर रेड्डी, वर्तमान उनके बेटा CM है जगन मोहन रेड्डी। तो उनकी प्लेन क्रैश हो गया था 2010 में, और प्लेन खोजने में 3 दिन 4 दिन लग गया, कहाँ गिरा पता नहीं चल रहा है, इतना घना जंगल है। वहाँ पर एक नक्सलवादी समूह, वहाँ पर एक नक्सलवादी समूह पीपुल्स वार ग्रुप की स्थापना हुआ था। आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला के जंगल में ही क्या बना था, पीपुल्स वार ग्रुप, जो एक नक्सलवादी संगठन है। बाद में पीपुल्स वार ग्रुप का MCC में मर्ज हो गया, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, सुने होंगे ना MCC, ये सब नक्सली ग्रुप है, कभी बम से किसी को भी उड़ा सकते हैं। इनका मेन काम उड़ाने पुड़ाना है, कोई रचनात्मक कार्य नहीं करते, ध्वंसात्मक कार्य करते हैं। दोनों के मुखिया मिले, पीपुल्स वार ग्रुप के और MCC के, बोले कि एक जब दोनों का काम उड़ाने पुड़ाना है तो क्यों काम कर रहे हैं, मर्ज कर लीजिए। तो दोनों फिर मर्ज हो गया। तो इतना घना जंगल है, नल्ला मल्ला का जंगल सुनाया, जंगल भी है वहाँ। और कौन 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 नदी बहती है, गोदावरी और वर्धा। कौन नदी बहती है, गोदावरी और वर्धा। और नीचे वाला, यहाँ पर एक वर्धा नदी बहती है, नीचे वाला जो पार्ट है साउथ आंध्र प्रदेश का, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेलिकोंडा, वेलिकोंडा हिल, वेलिकोंडा की पहाड़ी, वेलिकोंडा की पहाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन दक्षिणी आंध्र प्रदेश वाले भाग को क्या बोलते हैं, वेलिकोंडा। तमिलनाडु में सुनो, चार हिस्सा करो, डॉट डॉट कर देना, अगर लाइन खींचोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ से तमिलनाडु और कहाँ से, भाई अगर लाइन खींच दिए तो पता चलेगा कहाँ से आंध्र प्रदेश और कहाँ से तमिलनाडु। डॉट डॉट कर दिए तो पता चल रहा है कि तमिलनाडु को हम बांटे हैं 4 भागों में। तमिलनाडु वाले को 4 भागों में बांट लीजिए, जितना दूर तमिलनाडु का पार्ट है ना, उसको डॉट डॉट करके 4 भागों में बांटिए, या फिर कोई अलग कलर से बना लीजिए, ठीक है ना। इसमें सब में अलग, तमिलनाडु में इस पहाड़ के कितने नाम हैं, 4 नाम है। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं, ऐसा करते हैं जगह कम इसलिए नंबरिंग कर देते हैं,
हमें लगता है कि आप भी नंबर कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है, उसे साफ साफ लिख लेंगे आप। नंबर एक यानी उत्तरी तमिलनाडु में, सबसे उत्तर में, नॉर्थ तमिलनाडु में बोलते हैं पालकोंडा हिल, पालकोंडा हिल। नंबर दो, पालकोंडा हिल के बाद नंबर दो जावड़ी हिल, जावड़ी हिल, जावड़ी हिल। नंबर तीन पे लिखिए शिवराय हिल, शिवराय हिल। शिवराय हिल नंबर तीन पे लिखिए, तीन पे लिखिए शिवराय हिल। ठीक है, कभी कभी उत्तर से दक्षिण इनको अरेंज करने दे देता है, दे देगा चारों नाम नॉर्थ साउथ अरेंज की। सबसे नॉर्थ में कौन हो गया, उसके साउथ में कौन हो गया, उसके बाद ये सब यूपीएससी में पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और लास्ट वाला नाम है बोलंगीर हिल, नंबर चार पे जो है, इसको नोट कर लिया ना, नंबर चार पे है बोलंगीर हिल। हो गया, समझ में सबको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट लिख सकते हैं कि निमयगिरी हिल में भारी मात्रा में एल्युमिनियम मिलता है, निमयगिरी हिल में भारी मात्रा में एल्युमिनियम मिलता है। भारी मात्रा में एल्युमिनियम मिलता है, भारी मात्रा में एल्युमिनियम मिलता है। यानी एल्युमिनियम क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलता है। एल्युमिनियम फ्री, कोई भी मेटल फ्री स्टेज में मिलेगा क्या? अगर वो मेटल है तो हाई रिएक्टिव है, अगर वो मेटल है तो हाईली रिएक्टिव है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप लोग प्लस टू में अगर साइंस होगा आपका तो पढ़ना होता था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज करते थे एलिमेंट को, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। गोल्ड को सबसे नीचे रखते थे, है ना, चांदी से भी नीचे। चांदी तो थोड़ा ख़राब हो भी जाएगा कुछ दिन में, लेकिन गोल्ड अगर नाली में भी पड़ जाए बहुत दिनों तक एकदम रियल उसी अवस्था मिल जाएगा आपको। हाँ, बहुत दिन तक छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो भी रिएक्ट करेगा ही, लेकिन उसको नोबेल एलिमेंट के आसपास रखते हैं। किसको? गोल्ड को। तो बीच बीच में साइंस का भी गाइडलाइन आपको हम देते रहेंगे, मैंने अभी याद दिलाते रहेंगे कि आप बहुत कुछ भूल चुके हैं। साइंस था आपका, लेकिन आप साइंस के साथ इंसाफी नहीं किए, ना इंसाफी किए, पढ़ना चाहिए था। नहीं, कितना बढ़िया विज्ञान। कौन किन का, किन का प्लस टू में साइंस था? हम सबका साइंस होता है। बिहार के लड़का भले ही बीए में कुछ रख ले, लेकिन 90% से ऊपर लड़का मैथ पीसीएम रख लेता है या पीसीबी रख लेता है ना। मेरा भी था फिजिक्स ऑनर्स, मेरा है लीजिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिए। ऐसा होता है क्या सच में कि आर्ट्स तो रख लिया, हिस्ट्री से ऑनर्स किया, वो गांव में सर उठा के जीने लायक नहीं है? तो खुद काहे लगता है, जब जो चीज़ आप पसंद की, अच्छा जो चीज़ आप पसंद किए आपके नज़र में ठीक होना चाहिए, बात खत्म है। कोई भी विषय खराब नहीं होता, ये कहिए, कोई भी विषय खराब नहीं होता है। और आप अपने नज़रिए से चीज़ों को देखें तब आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आप जीवन एक नज़रिए से देखकर काम करेंगे ना, तो आप खुश कभी रह नहीं सकते। आप अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करें, न कि पड़ोसी के संतुष्टि के लिए। पता नहीं रहता है आगे क्या पढ़ना है, सिर्फ जानता इंजीनियरिंग या डॉक्टर।
अच्छा चलिए, हाँ हो गया, चलिए तो अब हो गया कंप्लीट। अब लिखें नीलगिरी हिल और पलनी हिल, आज पहाड़ हमारा खत्म हो जाएगा। नीलगिरी हिल और पलनी हिल, हाँ अंतिम है। नीलगिरी पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी तीनों मिलते हैं। जो नीलगिरी है वो तीन राज्य में है, एक राज्य में है तो है नहीं, उसका कुछ पार्ट कर्नाटक में है, कुछ पार्ट केरल में है, कुछ पार्ट तमिलनाडु में। बताया था उस दिन, याद है आप? कोई दिक्कत? ये नीलगिरी है, बस गोला जितना दूर लगाया इतने दूर नीलगिरी है। अब बाकी यहां से लेके यहां तक है पलनी हिल। क्या भैया? टोटल लेंथ है पलनी हिल का 150 किलोमीटर। बनाइए महापुरुष। हो गया बच्चों, आज पहाड़ से विदाई हो जाएगा, हम लोग बस पकड़ के सीधे पटना आएंगे। आज आज अंतिम दिन हम लोग का पहाड़ में है। अब थोड़ा मैदान भी घूम लें, थोड़ा नदी भी घूम लें। भूगोल में प्रत्येक चैप्टर में आप पूरे भारत घूमेंगे, मिट्टी पढ़ाएंगे तब भी पूरे भारत घूमेंगे आप, फिर पूरे भारत की मिट्टी पढ़ाना है हमको। नहीं मैंने सोचा पूरे इंडिया का सैर अकेले कितनी बार करा दिया है ना, सब पैसा जोड़ कर रखिएगा, अंतिम में सब लेंगे हम, फ्री में घूम रहे हैं ना। मैंने टोटल एरिया घूम लिए। अब देखिए इस पूरे पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है पलनी हिल की, उसका नाम है बम्बार्डी शोला। बम्बार्डी शोला लीजिए, पलनी हिल की सबसे ऊंची चोटी बम्बार्डी शोला है। पलनी के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बम्बार्डी शोला है। पलनी के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बम्बार्डी शोला है। एक पीक है नीलगिरी में भी, उसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा, दो दो बेटा नहीं, दोदा बेटा, दोदा बेटा। ये केवल नीलगिरी के लिख लीजिए, दोदा बेटा दिखाई नहीं दे रहा क्या? चमक रहा है? सामने बैठ जाओ, यहाँ खाली तो है, ये भी बेंच खाली, इधर आ जाओ। ठीक है, जहाँ भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो सामने बैठ जाओ। दोदा बेटा, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी पूछा जाए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची तो अनाई मुदी पढ़े हैं आप, सबसे ऊंची कौन पढ़े जी? लेकिन दक्षिण भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक पूछो तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल, तो लिख लीजिए दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी एंड दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है तथा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है तथा दक्षिण भारत की
दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है जी? दोदा बेटा। देखो भाई पल्ली के पहाड़ी में कुछ जंगल भी मिलते हैं, पेड़ जैसा बना लो। हाइट क्या है? 2695 है तो 2637 होगा इसका। पलनी के पहाड़ी में जंगल मिलता है, पेड़ गिन के मत बनाइएगा। अरे पेड़ गिनती करिए सर, जितना पेड़ बनाए उतने पेड़ हम भी बनाएंगे। आप अपना हिसाब से देख लीजिए, दोनों तरफ दो दो पेड़ भी बनाइए तो काम चल जाएगा। पलनी के पहाड़ी के जो जंगल होता है ना उसको सोला कहा जाता है। पलनी के पहाड़ी के जंगलों को क्या कहा जाता है? सोला। सोला आग वाला नहीं, ये को सोला मतलब आग भी होता है, ये वाला ऐसा होता है। अगर तालाब बेसा लिख देंगे ना तब इसका मतलब क्या हो जाएगा? आग। अदंत सा रहेगा तो जंगल। ऐसे पूरे दक्षिण भारत के जंगलों को क्या बोलते हैं? सोला। लेकिन स्पेशली पलनी के पहाड़ी के जंगल को क्या बोलते हैं? सोला। अभी एक पेपर हुआ था बिहार में, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस, बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दरोगा का मेंस हुआ था। उसमें क्वेश्चन आया था कि थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। थाई पूसम त्यौहार भारत में कहाँ मनाते हैं? तो मनाते हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में भी कहाँ मनाते हैं? पलनी की पहाड़ी में, है ना। यहाँ के लोग जो है मनाते हैं। लिख सकते हैं एक लाइन, पहली को पलनी के पहाड़ी के जंगल को सोला कहा जाता है। फॉरेस्ट ऑफ पलनी हिल इज नोन एज सोला। फॉरेस्ट ऑफ पलनी हिल इज नोन एज सोला। फॉरेस्ट ऑफ पलनी हिल इज नोन एज सोला। पलनी के पहाड़ी के जंगलों को सोला कहते हैं। अरे ये भी पूछा है सवाल, अब पलनी के पहाड़ी से रिलेटेड है इसलिए लिखवा देता हूँ। थाई पूसम, थाई पूसम त्यौहार फेस्टिवल तमिलनाडु में पलनी के पहाड़ी के लोग मनाते हैं। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में पलनी के पहाड़ी के व्यक्ति लोग मनाते हैं। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में पलनी के पहाड़ी के लोग मनाते हैं। हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अभी थाई पूसम त्यौहार में करते क्या है नहीं बता सकते आप। अब नेट पर जाइएगा, डालिए थाई पूसम त्यौहार में पटाखा फोड़ते हैं कि रंग रंग खेलते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, हम त्यौहार मनाए नहीं कभी, लेकिन जानना चाहिए। हो गया, कुछ पॉइंट और लिख लीजिए। नीलगिरी के पहाड़ी पर दो जनजाति रहते हैं, टोडा और कोटा। टोडा ट्राइब और कोटा ट्राइब, ये दोनों कहाँ रहते हैं बच्चों? नीलगिरी पर। ही बहुत बार क्वेश्चन आया है, कहीं कहीं टोडा भी देता है या कहीं कहीं टोडा भी देता है, क्या बात है। देखिए टोडा और कोटा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ी पर निवास करते हैं। टोडा जनजाति और कोटा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ी पर निवास करते हैं। टोडा जनजाति और कोटा जनजाति, क्वेश्चन कई बार आया है, कोटा नहीं आया है, टोडा आया है, ध्यान रखिए। कोटा कम आया है सीडीएस में, जो यूपीएस लेते हैं सीडीएस पेपर ना, जानते होंगे आप लोग, कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है ना, उसमें क्वेश्चन आया था टोडा जनजाति कहाँ रहते हैं नीलगिरी पर, तो कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। एक लाइन और चाहो तो लिख लो, नीलगिरी के पहाड़ी पर चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी पर चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती की जाती है। बस ये हो गया हमारा पहाड़ समाप्त। पहाड़ क्या हो गया? समाप्त। कॉफ़ी दोनों की खेती की जाती है। टी एंड कॉफ़ी बोथ ग्रोन ऑन नीलगिरी हिल। टी एंड कॉफ़ी बोथ ग्रोन ऑन, वैसे बताया आपको चाय के उत्पादन में असम का पहला स्थान है
और कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है, चाय के उत्पादन में असम और कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक, याद रहेगा। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मक्का के उत्पादन में फिर कर्नाटक। यानी कॉफी और मक्का, रेशम सिल्क, कॉफी रेशम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिल्क। कॉफी मक्का और रेशम, कॉफी मेज एंड सिल्क, ये तीनों में कर्नाटक का पहला स्थान है। मूंगफली में गुजरात, मूंगफली में गुजरात, और दलहन में पहले था मध्य प्रदेश लेकिन अब हो गया है राजस्थान। इस बार के जो नया आंकड़ा आया है उसमें राजस्थान पहले नंबर पे आ गया है। पहले दलहन में कौन था आगे, दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश, पर इस बार के नया आंकड़ा में क्या आ गया, सोयाबीन में आज भी मध्य प्रदेश है, पहले भी मध्य प्रदेश था आज भी मध्य प्रदेश है। यानी गेहूं गन्ना आलू में उत्तर प्रदेश कर दी क्या, गेहूं गन्ना आलू में उत्तर प्रदेश, गेहूं गन्ना आलू में उत्तर प्रदेश, मक्का रेशम और कॉफी में कर्नाटक, मक्का रेशम और कॉफी में कर्नाटक, चाय में असम, मूंगफली में गुजरात, दाल में पहले मध्य प्रदेश था, इस बार किसका आगे आगे मेहनत ज़्यादा किया उन लोगों ने, राजस्थान। सोयाबीन में पहले भी था मध्य प्रदेश आज भी, जूट और चावल में बंगाल, जूट और चावल में बंगाल, है ना, हो गया बस इतना याद कीजिए। धान मध्य चावले होता है ना, चावल धान अलग अलग है क्या, चावल उगाते हैं क्या, धाने उगाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, भारत का मैदान, हेडिंग डाल दीजिए भारत का मैदान। ज्यादा हो गया क्या, चलिए तो छोड़ देते हैं, और क्या छोड़ दें, जय जी तो रहने दीजिए आज इतना ही, छोड़ दें आप लोग क्या मर्जी, किनको किनको लगता है पढ़ा दें, और पढ़ा देते हैं भारत का मैदान, थोड़ा सा समझा देते हैं, हल्का समझा देते हैं भारत का मैदान। सुन लीजिए, भारत के मैदान को हम दो तरीके से बांधकर पढ़ेंगे, सुनो, भारत के मैदान को हम लोग दो तरीके से बांटकर पढ़ेंगे। पहला तरीका है उसके बनावट के आधार पर, बच्चा सुन लो, बनावट बोलो, संरचना बोलो, स्ट्रक्चर बोलो, एक ही बात है। भारत के मैदान को हम लोग दो तरीकों से बांटेंगे, बनावट संरचना स्ट्रक्चर में कोई अंतर, हम बोले बताओ ये दीवार की बनावट क्या है, तो सर ये लकड़ी है या सीमेंट है बालू है, आपका बॉडी का बनावट बताओ, संरचना बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, तो क्या बोलेगा, हड्डी है, मांस है, खून है, इससे मेरा पूरा बॉडी बना हुआ है। तो जो जिससे जो बना होता है उसी को बनावट बोलते हैं, उसी को संरचना बोलते हैं, उसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर बनावट संरचना के आधार पर हम मैदान को, प्लेन को, भारत के जो मैदान, मैदान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लेन। तो भारत के प्लेन को कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में। बनावट के आधार पर मैदान को, भारत के प्लेन को कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में। आपने नाम सुना होगा प्लेन ऑफ इंडिया को, प्लेन ऑफ इंडिया को बांटते हैं हम लोग चार भागों में। पहला भाबर, भाबर, दूसरा तराई, तराई, तीसरा बांगर, ये सब अंग्रेजी हिंदी दोनों में सेम होता है, बांगर, और चौथा खादर, चौथा खादर, खादर। यानी भारत के मैदान को स्ट्रक्चर के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में, भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर, तराई, बांगर, खादर। तराई तो सुने होंगे, नेपाल की तराई, तराई तो सुना होगा, जयप्रकाश नारायण, नाम सुना है, जयप्रकाश जेपी का नाम सुना है, जयप्रकाश नारायण जेपी, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, है ना, इंदिरा गांधी के सत्ता को खाड़ कर फेंक दिया था वो जेपी, भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और जाकर नेपाल की तराई में आजाद दस्ता का निर्माण किया था। तराई सुना होगा यहीं पर आप, भाबर, तराई, बांगर और खादर।
बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर मैदान कितने भागों में बांटते हैं? चार भागों में। नदियां पहाड़ से निकलती हैं, सुन लो, नदियां पहाड़ से निकलती हैं, तो जानते हैं पहाड़ में स्लोप ज़्यादा होता है, तो स्लोप ज़्यादा होगा तो नदी भी काफ़ी तेज बहेगी। पहाड़ में स्लोप ज़्यादा होता है तो नदी भी क्या बहेगी? काफ़ी तेज बहेगी। और तेज बहेगी तो बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ लेगी, तेज बहेगी तो बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ लेगी, तो साथ में छोटे चट्टान भी उखड़ जाएंगे। जब बड़ा चट्टान उखड़ेगा तो छोटा चट्टान भी तो उखड़ जाएगा भाई, तो बड़े बड़े चट्टान को नदियाँ उखाड़ लेंगी। और आसानी से स्लोप भी है और नदी का धारा तेज भी है, आसानी से उन पत्थरों को लुढ़काते पुड़काते नदी पर्वत के बाहर आती है। जैसे ही नदी पर्वत के बाहर, समझना जरूरी है भाई, लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना है। मैंने कहा कि नदी जब पहाड़ में होती तो स्लोप ज़्यादा होता है, नदियाँ काफ़ी तेज बहती हैं, नदी तेज बहती तो नदी का नेचर होता है कि अपने किनारों को नहीं काटती, अपने तली को काटती है। नदी जब तेज बहती है ना तो सामने काटती है, किनारों को नहीं काटती। इसलिए पहाड़ों में देखिए नदी बहुत पतली दिखती है, पहाड़ में नदियाँ ज़्यादा चौड़ी, यानी किनारों को काटेगी तब ना चौड़ी होगी। पर्वतों में नदियाँ गहरी होती हैं पर चौड़ी नहीं, लेकिन मैदान में नदियाँ स्पीड कम हो जाती है क्योंकि तो स्लोप रहा नहीं, तो स्लोप कम हो गया तो मैदान में स्पीड कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो नदियाँ तली को नहीं काटती, किनारों को काटती है। इसलिए मैदान में नदियाँ चौड़ी होती है, उतनी गहरी गंगा जी जितना चौड़ी है पटना में उतनी गहरी है क्या? चौड़ाई नापिए, गहराई मापिए, गहराई कम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अरे जो बोल रहा हूँ समझ में आप लोग को आ रहा है? नदियाँ पहाड़ों में गहरी क्यों होती है, चौड़ी नहीं होती? क्यों नहीं होती चौड़ी? तो क्या बोलेंगे बोलो? किनारों को नहीं काटती, नदियाँ किनारों को नहीं काटती, तली को काटती है। लेकिन नदियाँ पर मैदानी क्षेत्र में चौड़ी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि तली मैदानी क्षेत्र, नदी का जब स्पीड कम हो जाए तो उसका नेचर होता है कि उस अपने साइड को काटती है, तली को नहीं काटती। तो जो नदियाँ जब पर्वत में होती है तो तली को काटती है और बड़े छोटे चट्टानों को उखाड़ लेती है। जैसी नदी पर्वत से बाहर आती है नदी का स्पीड उतना ज़्यादा नहीं रह जाता, नदी का स्पीड उतना ज़्यादा नहीं रह जाता। जैसी पर्वत से बाहर नदी निकलती है नदी का स्पीड उतनी अधिक नहीं रह जाती, नदी की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती तो क्या होगा? बड़े चट्टानों को नदियाँ ढो पाएगी? अरे बड़े चट्टानों को नदियाँ ढो पाएगी नहीं, बड़े चट्टानों को नदियाँ पहाड़ से निकलते ही, पहाड़ से निकलते ही उन बड़े चट्टानों को नदियाँ क्या कर देगी? पहाड़ के पास ही, पहाड़ के जड़ के पास ही क्या कर देगी? चूंकि पहाड़ से निकलेगी तो उतना स्पीड रहेगा नहीं और नहीं स्लोप रहेगा तो अंत में ढो नहीं पाएगा, जमा कर देगी। तो बड़े बड़े चट्टानों का क्षेत्र इसी को बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। लेकिन नदी इतनी भी कमजोर नहीं हुई कि छोटे पत्थरों को न ढो पाए, छोटे पत्थरों को कुछ दूर आगे तक जमा कर देती है नदी, छोटे पत्थरों को कुछ दूर आगे तक जमा कर देती है नदी, तो उसी को बोलते हैं तराई। यानी बड़े पत्थरों का क्षेत्र जो पर्वत के पास में ही है उसे बोलते हैं भाबर, और उसके आगे छोटे पत्थरों का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? तराई। और नदी के बाद में दो एरिया होता है, एक एरिया ये, एक एरिया ये, ये समुद्र के पास वाला एरिया है तो सबसे ऊंचा ये है और उसके नीचे ये ऊंचा, जैसे जैसे इधर जाएंगे ऊंचाई बढ़ता जाएगा। तो पहले यहाँ बाढ़ आता था लेकिन अब नहीं आता, क्योंकि पहले बाढ़ आता था लेकिन आप जानते हैं कि बाढ़ जब आता है तो बाढ़ का पानी, जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है वहाँ तक नई मिट्टी का विस्तार हो जाता है। आप बाढ़ आते देखे होंगे, बाढ़ का पानी उतर मिट्टी काट के तो ले जाता है लेकिन लौटते समय मिट्टी लेकर नहीं आता, वहीं क्या कर देता है? जमा कर देता है। तो पहले से ही ऊंचा था, बाढ़ आता गया मिट्टी का जमा होता गया, अब इतना ऊंचा हो गया ये पूरा क्षेत्र कि अब यहाँ बाढ़ नहीं आता। आप जानते हैं बाढ़ का पानी या नदी का पानी जो मिट्टी लाती है बहाकर उसे बोलते हैं अंग्रेजी में एल्यूवियल सॉयल, हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पहले यहाँ बाढ़ आता था तो हर साल नया जलोढ़ मिट्टी बिछ जाता था, पर अब इतना ऊंचा हो गया ये क्षेत्र, पहले से ही ऊंचा था पर बाढ़ आते गया मिट्टी जमा होते गया, इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया कि अब यहाँ बाढ़ नहीं आता, तो मिट्टी धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी। यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? पुरानी हो जाएगी। तो जलोढ़ मिट्टी कैसी हो जाएगी? पुरानी। यहाँ पर ओल्ड एल्यूवियल सॉयल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बांगर। जो ओल्ड एल्यूवियल सॉयल है उसको बांगर, उसको क्या, इसको बोलते हैं भाबर। बड़े बड़े चट्टानों को क्या बोलते हैं? भाबर। उसके आगे छोटे पत्थरों को क्या बोलते हैं? तराई। और जो ओल्ड एल्यूवियल सॉयल है, ओल्ड एल्यूवियल सॉयल पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसको क्या बोलेंगे? बांगर। क्या बोलेंगे?
बांगर, लेकिन निचला जो क्षेत्र है वहाँ आज भी बाढ़ आता है, निचले क्षेत्र में आज भी बाढ़ आता है। तो निचले क्षेत्र में जहाँ आज भी बाढ़ आता है वहाँ पर अभी भी नया मिट्टी बिछेगा हर साल, है ना। जहाँ पर आज भी बाढ़ आ रहा है वहाँ हर साल नई मिट्टी आज भी बिछेगा। तो जो आज भी बाढ़ आता है तो जो नया मिट्टी का क्षेत्र है, न्यू एलुवियल सॉइल, इसी को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? यानी आप पटना में बैठे, आप कहाँ बैठे हैं? खादर में कि बांगर में? खादर में। कहाँ बैठे हैं? खादर में। पूरे बिहार में बाढ़ आता है तो पूरा बिहार किस में लगभग आ जाएगा? हालांकि बिहार में कुछ मिट्टी बांगर भी है, तराई का रीजन भी बिहार में है, वो सब लिखवाएंगे, बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे। तो कहाँ कहाँ बिहार में तराई है, कहाँ कहाँ बांगर है, पर जनरली बिहार में ज़्यादा क्या मिलेगा? खादर। क्योंकि बिहार के सभी नदियों में बाढ़ आता है, जहाँ आज भी बाढ़ आता है वहाँ बाढ़ से क्या होगा? नई मिट्टी का आज भी विस्तार होगा। तो नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। अब जहाँ बाढ़ आता था पहले पर अब नहीं आता तो मिट्टी पुरानी हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे? बांगर। छोटे पत्थरों के क्षेत्र को तराई, बड़े चट्टानों के क्षेत्र को भावर। यानी बड़े बड़े चट्टानों का जो इलाका है ना, नदियाँ वहाँ क्या हो जाएंगी? गायब। बड़े चट्टानों में नदियाँ दिखाई नहीं देंगी। अरे गायब क्या, खत्म नहीं होगी, पहाड़ चट्टान के नीचे चली जाती है। क्वेश्चन आता है नदियाँ कहाँ गायब हो जाती है, नदियाँ कहाँ दिखाई नहीं देती? तो भावर में, बड़े बड़े चट्टानों का इलाका है, नदी नीचे से बहने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? भावर। और जो नदियाँ यहाँ दिखाई नहीं देती, तराई में वो दिखाई देने लगती है। नदियाँ रीअपियर कहाँ हो जाती है? तराई में। तो ये क्या हुआ? बनावट के आधार पर मैदान को कितने भागों में बांटेंगे? चार भागों में, भावर, तराई, बांगर और खादर। उसी तरह से विस्तार के आधार पर मैदान को बांटते हैं सात भागों में। विस्तार के आधार पर मैदान कितने भागों में बांटते हैं? सात भागों में। पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, उसके बाद ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगेटिक प्लेन, प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, प्लेन ऑफ राजस्थान, अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, मध्य गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को हम तीन भागों में बांटते हैं। गंगा के पानी द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसको कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन और लोअर गंगेटिक प्लेन। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश में और निचला गंगा का मैदान बिहार और बंगाल में। उसके बाद पढ़ते हैं असम और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और उसके बाद पढ़ते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान मतलब समुद्र के किनारे, उसमें पूर्वी तटीय मैदान अलग पढ़ते हैं और पश्चिमी तटीय मैदान, यानी क्या पढ़े हम लोग? पंजाब हरियाणा का मैदान, प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, प्लेन ऑफ राजस्थान, अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन, प्लेन ऑफ असम एंड ब्रह्मपुत्रा एंड कोस्टल प्लेन। और कोस्टल प्लेन में भी दो होगा, ईस्ट कोस्टल प्लेन एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन। हिंदी में पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, असम और ब्रह्मपुत्र का मैदान और तटीय मैदान। तटीय मैदान में दो भाग, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर है? तो डिटेल एक बेसिक हो गया आप लोगों का, हम अगली क्लास में इसको लिखवाएंगे और पढ़ाएंगे। चाहते हैं तो ये फोटो बना लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, आप उतार लीजिए अगर जरूरत है तो। हाँ डेल्टा मैदान में नहीं, हाँ मैं जो खादर है, खादर के बाद क्या बनेगा? डेल्टा। ठीक है, जब नदी निर्मित स्थलाकृति पढ़ाएंगे ना तो वहाँ डेल्टा बताएंगे आपको। हाँ वहाँ डेल्टा बनाती है, समझ में आया? इसको चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में समझने के लिए। कैसा रहा क्लास आज का, समझ में आया नहीं आया? इससे सिंपल और क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म, हम चाहते हैं ज्योग्राफी का एकदम से जो सबसे सिंपल वर्जन है जिसको कोई भी आदमी चला ले। एक ऐसा मोबाइल है ज्योग्राफी बना, ज्योग्राफी को एक ऐसा मोबाइल बना दे जिसको एंड्रॉयड सबको लोग नहीं चला पाता, लेकिन एक ऐसा एंड्रॉयड में भी कुछ ऐसा बना दे जिसको कोई भी चला ले, मतलब है? हाँ वही, मतलब कहीं भी कुछ भी पटक दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। जैसे कुछ मोबाइल में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको चलाने नहीं आता दे दीजिए तो क्या करता है? बिगाड़ देगा। लेकिन एक मोबाइल कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ भी कर लीजिए बिगड़ेगा नहीं। तो हम चाहते भूगोल को ऐसा बनाए जिसका भूगोल बैकग्राउंड नहीं है, ज्योग्राफी जो कुछ नहीं जानता था उसको भी ज्योग्राफी उतना ही समझ में आए जो ज्योग्राफी में पीएचडी है। ठीक है, एलुवियल लिख देता हूँ, ओल्ड तो लिखते आता होगा। सॉइल भी नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, हो गया। चलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे कि आपका जैसे जैसे ही एज हो जाए वैकेंसी के लिए आप
अगले छठ जो है आपका दिवाली है, एज होने के बाद वाला जो छठ दिवाली है, उसमें आपके हाथ में एक जो आप चाहते हैं, जो आप सपने देखे हैं, वो ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो। और मैं एक राय दूंगा आपको, उधर से आइएगा तो आपका एक टेस्ट लेंगे। अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन पेपर हम तैयार कर रहे हैं 100 क्वेश्चन का, वो हम एक टेस्ट लेंगे आपसे, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन होगा, एक टेस्ट लेंगे आपसे, और यही जितना पढ़ाए उसी में से, इससे बाहर नहीं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा पढ़ के तो आइएगा ही, साथ में आप UPSC में IAS में आज तक जितना भी क्वेश्चन आया है भूगोल से, खासकर माउंटेन और प्लेन से, प्लेन भी थोड़ा सा बता ही दिया, माउंटेन और प्लेन से आज तक जितने सवाल आए हैं UPSC में, IAS के PT में जो भी सवाल आए होंगे, वो आप जा करके जहाँ से भी आप देखें, UPSC 2013 के बाद से पैटर्न बदला है, 13, 14, 15, 16, 17 नेट पे जाइए, डालिए नेट पे, सब सवाल हर साल का उपलब्ध है, और देखिए कि माउंटेन से प्लेन से आज तक क्या क्या सवाल आए हैं, आज जो आए हैं वो हमसे हो रहा है नहीं, ठीक है? तो आप एक बार देखिएगा सवाल, गारंटी है कि 99% सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है? पर एक बार फिर भी तसल्ली के लिए मैं बोल दिया कि आप लोग UPSC और BPSC के आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल में, खासकर माउंटेन और प्लेन से, आप पूरा जाके घर पे देखिएगा, बनाइएगा, और जितना कॉपी मैंने लिखवाया तैयार करके आइएगा, हम इसी में से 100% क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन इसी में से रहेगा। तो हमारी कोशिश, कोई भी बच्चा से हम आशा ये करते हैं कि 90 से कम किसी का मार्क्स ना आए, अगर 90 से कम आया तो उसका एक पनिशमेंट निर्धारित करेंगे, ठीक है? चूँकि इसी में से देंगे तो फिर गलती कहाँ होना है,